नमस्कार दोस्तों, हिंदी खबर शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। 40 मर्डर करने वाली रूस की खूंखार महिला स्नाइपर को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। युद्ध क्षेत्र में बंदूकें लगातार मौत उगल रही है। फाइटर प्लेन्स आशियानों को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन के शहरों में जिंदगी की जगह मौत का शोर है। दोनों देशों के बीच बातचीत की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने युद्ध ग्रस्त डोनबास से एक ऐसी महिला को पकड़ा है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। यह कोई आम महिला नहीं, बल्कि रूस सेना के सबसे खूंखार स्नाइपर इरीना स्टारिकोवा है। इरीना की बंदूक अब तक 40 से ज्यादा यूक्रेनियों की जान ले चुकी है। इसमें यूक्रेनी सैनिकों समेत महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। रूस की इस महिला शार्प शूटर को पकड़ना यूक्रेनी सेना की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इरीना स्टारिकोवा 2014 से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही। दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई शुरू होने से पहले वो अलगाववादियों के साथ मिलकर यूक्रेनी सेना को निशाना बना रही थी। काल बन चुकी इस खतरनाक महिला सैनिक की तलाश यूक्रेन को लंबे वक्त से थी। यूक्रेन के मैदान में पकड़ने के बाद शुरुआत में यूक्रेनी सैनिक उन्हें पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने इरीना स्टारिकोवा को एक आम महिला सैनिक समझ अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन अब उनसे पूछताछ की गई तो सारी कहानी सामने आ गई। यूक्रेन के अंदरूनी इलाके में जंग के मैदान में इरीना घायल हो गई, जिसके बाद रूसी सैनिक ने उन्हें साथ रखना मुनासिब ही नहीं समझा। रूसी सैनिक घायल इरीना को छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन वक्त रहते वो यूक्रेनी सैनिकों की नजर में आ गए। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूक्रेन की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मूल रूप से सर्बिया की रहने वाली इरीना रूसी सेना में आने से पहले एक नन थी। उनकी दो बेटियां भी हैं। उनका पति के साथ तलाक हो चुका है। इरीना के पकड़ में आने के बाद यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की पुष्टि की है। जंग के मैदान में नारी शक्ति से काम लेना रूस के लिए नया नहीं। बात अगर स्नाइपर्स और शूटर्स की भी हो तो रूस की महिलाएं बाकी दुनिया से काफी आगे नजर आती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय लेडी डेथ के नाम से मशहूर सोवियत महिला सैनिक ल्यूडमिला पावलिनचेंको ने दुश्मन सेना के 309 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद उन्हें लेडी डेथ की उपाधि दी गई। इसी तरह 1941 में सोवियत संघ पर हिटलर के हमलों के बाद मात्र 17 साल की शार्प शूटर एलिजावेटा ने 100 से अधिक नाजियों को मौत के घाट उतार दिया। सोवियत संघ में महिला स्नाइपर को तैयार करने के लिए मास्को के पास बकायदा ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही खबरें हम इस चैनल में लाते हैं।